हमारा थप्पड़ मारने का मूड नहीं है। कम ऑन, कट ऑफ। भैया अब मैं आपको बताता हूँ कि बेवकूफ और पागल में फर्क क्या होता है। हेलो, मैं वो बोल रहा हूँ जो कि ये जानता है कि तू पिछले 10 घंटे से गुलफाम कली के घर पर था। तेरे पीछे जो लेडी है ना, उसे छेड़। ए मेरी चम्मक छल्लो, कहाँ चली, इधर तो आओ ना भाई। उस चबाए हुए च्युइंगम को अपनी बीवी के बालों में घुसा। अच्छा बेटा, तू भी क्या याद रखेगा, जा, तेरा पीछा छोड़ा, तुझे माफ किया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मैंने तुझे माफ कर दिया, और अब तू भी जा और उन लोगों से माफी मांग ले जिन लोगों के साथ तूने बदतमीजी की। मुझे माफ कर दीजिए। हम तुम्हें माफ कर रहे हैं। दरोगा के गाल पर एक झन्नाटेदार तमाचा रसीद कर। लेकिन तुमने तो कहा ना कर। मेरे गुड बॉय ने सबसे माफी मांगी। आप बिल्कुल हमारे भाई हैं। मैंने क्या किया, मैंने भाभी जी को दोबारा छेड़ दिया और तिवारी जी के मुंह पे कीचड़ मल दिया। But actually, मुझे इस बात का कोई मलाल नहीं है। I think I'm okay with it. In fact, I'm quite happy. लेकिन भाभी जी के साथ और मैंने अन्नू के साथ जब बदतमीजी की है यार, क्या करूं मैं। I'm so sorry. अन्नू, नाम मत लो अपनी गंदी जबान से मेरा। वकील साहब, इनको तलाक के पेपर्स दीजिए। अन्नू, क्या तू मुझे तलाक दे रही हो? जी हाँ भाभी जी, आपको तलाक दे रही है, क्योंकि आप जैसा बदतमीज पति भाभी जी का हो ही नहीं सकता। जी हमारा पर्सनल मामला, अपनी चोच बाहर रखिए इससे आप। अब ये हमारा पर्सनल मामला नहीं रहा। और तिवारी जी बिल्कुल ठीक कह रहे, तुम्हारे जैसा इंसान मेरा पति हो ही नहीं सकता। वकील साहब, डिवोर्स के पेपर्स दीजिए। जी मैडम, अभी देता हूँ, ये लीजिए कागज, मैम ने इस पे साइन कर दिए, बस आपको साइन करना है, काम हो जाएगा। अरे तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं कर रही हूँ भाभी जी, प्लीज समझाइए नानू को, प्लीज। हाँ दिया, कहा समझाया अनीता जी को, कितना गिरा हुआ हरकत किए हैं आप, हमारी नजरों से एकदम गिर चुके हैं। भाभी जी प्लीज, अपनी नजरों से मत गिराइए, प्लीज ऐसा मत कीजिए। सपाट भरभूति जी। भाभी जी, इट्स नॉट सपाट, इट्स शट अप। सही पकड़े हैं। भाभी जी ऐसा जुल्म मत कीजिए, मुझ पे ऐसा जुल्म मत कीजिए प्लीज। तलाक के पेपर्स पे साइन करो विभूति। हेलो अनु, तू मुझे विभूति बुला रही हो? अच्छा है विभूति बुला रही है, विभूति ये नहीं बुला रही। अरे अब ज्यादा आंखें मत तरेरिए और तलाक के पेपर्स पर साइन कीजिए, भाभी जी को आजाद कीजिए। भैया भैया भैया, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं पागल हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ कि अपनी भाभी माँ को तलाक के चक्करों में पड़ने दूँ। भाई माँ, आप बिल्कुल तलाक मत दीजिए विभूति भैया को। अरे यार, आप अपनी गर्दन क्यों बीच में घुसेड़ रहे हैं, अब जाइए ना, जाइए यहाँ से। सक्सेना जी प्लीज, आप जाइए यहाँ से। भाई माँ पूरी बात सुन लीजिए मेरी एक बार, विभूति भैया ने जो कुछ भी किया है, जैसे कि आपके बालों में वो च्युइंगम चिपकाना, तिवारी भैया के मुंह पे कीचड़ मलना, भाई माँ को छेड़ना, आपको सिंह को थप्पड़ मारना, ये सब इन्होंने मेरे कहने पे किया है। क्या? आपके कहने पर? आद्या, लेकिन वो आपके कहने पर ऐसा काहे करेंगे? ब्लैकमेल कर रहा था मैं इनको। तू था, दिस मैन, मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरे भैया जान से मार दीजिएगा, यही आप उस दिन कर लेते कितना अच्छा होता। हाँ जान से मार देंगे तो बेगुनाह हैं आप, ये साबित कैसे होगा बताइए? अभी तक भाभी माँ को ये पता नहीं चला है, साबित नहीं हुआ है, पूरी कहानी सुनाने दीजिए, उसके बाद जो करना हो कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ।
भाई मैं दरअसल हुआ ये कि मुझे बहुत तेज शूक लगी थी, मैं इनके पास गया बहुत प्यार से, बहुत तड़पता हुआ, भैया 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 प्लीज़ मेरे लिए कुछ करिए। इन्होंने मुझे बेवकूफ़ बनाया, मुझसे झूठ कहा कि झाकड़कटी में नंगी तारें पड़ी हैं। मैं वहाँ पे गया शूक मिटाने, वहाँ नंगी तार क्या, कपड़ों वाली तार भी नहीं थी वहाँ। तो हाँ तो भाई मैं, फिर तकलीफ हुई मुझे, बहुत बहुत दुख हुआ मुझे। अपने आप बहुत स्मार्ट समझते हैं ना ये। मुझे पागल तो ठीक है, बेवकूफ़ भी कहते हैं। तो मैंने सोचा कि इनका पप्पू बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बनाया मैंने पप्पू तो मैं सक्सेना नहीं। और उसके बाद इनकी चाय में नशे की गोली मिलाई मैंने और इनको गुलफाम कली के यहाँ छोड़ के आ गया। अरे क्यों? नहीं नहीं चिंता मत करिए भाई माँ, कुछ ऐसा हुआ नहीं था। और उसके बाद मैं इनको झूठ मूठ का ब्लैकमेल करने लगा। मैंने कहा कि मेरी हर बात मानो, अगर नहीं मानी तो मैं वीडियो दिखा दूंगा गुलफाम कली वाला आपको, जो कि मैंने कभी बनाया नहीं था। बेचारे ये भी बंदर की तरह नाचते रहे मेरे इशारों पे, टक टक। अरे ये बेचारे भरभूति जी, आप बहुत बुरा किए उनके साथ। लेकिन सक्सेना जी, आपने मेरे विभू के साथ ऐसा क्यों किया? मुझे माफ कर दीजिए भाई माँ, लेकिन मैं विभूति भैया का गरूर तोड़ना चाहता था। ये अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं और पूरी दुनिया इनको बेवकूफ लगती है। इनको लगता है इनको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। तो मैं इनके घमंड को तोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। मुझे माफ कर दीजिए आप प्लीज। अरे दादा, अरे लियो भैया विभूति, तुम्हारे खिलाफ एक वारंट निकलो बहुए महाराज। ऑन ड्यूटी एक ईमानदार दरोगा की गाल पे थप्पड़ मारने के जुर्म में हम तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं। चलो दरोगा जी, एक सेकंड आइए मेरे साथ। आइए इनको तो धर लें दो यार, पहले आइए आइए इधर आइए। तुम यार लग तो मैं कछु खोज ली है। I'm sorry. मैंने तुम्हें गुस्से में न जाने क्या क्या बोल दिया। सॉरी भरभूति जी। जाइए माफ किया। अच्छा जो बात है याद रखते है ना। सॉरी भैया विभूति यार, हमने भी तुम्हें माफ कर दो। जो पगला ने सोचा, अबे पूरी बात बताई, बताओ तीन ठगे थप्पड़ खा ले जब। लियो जो उपाड़ दी रही। लियो चोचो। अब कहा तो जो इस बार सच में मच्छर बैठा हुआ था चिकनगुनिया का। रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, हमें जो उठाइयो तो खुद भी फिसल जाइयो। आज रपट जाए तो भाभी जी, हमारी भी ख्वाहिश है कि हम भी कभी किसी से रपट जाएं। क्या बोले? अरे भाभी जी, आपका पनीर लेके आ गया हूँ, 250 ग्राम आपने मंगाया था। अरे आपके लिए पैसे लेकर आ। कम ऑन भाभी जी, व्हाट आर यू टॉकिंग, आप मुझे पैसे देंगी? भाभी जी मेरा दिल बहुत बड़ा है। दूसरी बात यह कि भाभी जी, मैंने जिंदगी में हमेशा पैसे दिए हैं, लिए नहीं है। हमेशा मेरा हाथ यूं रहा है, कभी ऐसे नहीं हुआ भाभी जी। हाँ लेकिन अनीता जी तो बोल रही थी कि आप रोज उनसे पैसे लेते हैं। भाभी जी अन्नू की बात अलग है, अन्नू मेरी वाइफ है, लेकिन मैं दोस्तों की बड़ी हेल्प करता हूँ, गैरों की बहुत हेल्प करता हूँ। भाभी जी इसी चक्कर में तो बर्बाद बैठे हैं। कहाँ मदद करते हैं? भाभी जी अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि मैं सवेरे दूध देने जा रहा था तो देखा एक नंगा भिखारी बैठा हुआ। मैंने पूछा भाई कपड़े कहाँ तेरे, तो कहने तुम दे दो। भाभी जी मैंने शर्ट उतारी, दे दी उसको। आपको याद है उस रोज मैं छुप के जा रहा था, याद है पीछे से दुबक के जा रहा था, आपने बोला था भरभूति जी भाग गया था। याद है आपको? आई वॉज टॉपलेस, आई वॉज नॉट वेयरिंग माई शर्ट। भाई जी दो दिन पहले किसी ने मुझसे टाइम पूछा, मैंने घड़ी उतारी, दे दी उसको। मैंने कहा टाइम इज योर्स। दिल मांग के देखिए, मजा रहा जो हम मना कर दें। क्या बोले? भाभी जी मेरा दिल बहुत बड़ा है। एक्चुअली स्कूल कॉलेज के टाइम में ना मैं अपना टिफिन ना दोस्तों को खिला दिया करता, अपनी बुक्स अपने दोस्तों को दे दिया करता था। I was such a brat. यार very niche person भरभूति जी। भाभी जी it's nice.
सही पकड़े हैं, कितना बड़ा दिल है आपका। अभी बचपन से, चाइल्डहुड, यू नो, आई वाज सो स्मॉल, मैं इतना छोटा था मालूम है, मेरी मॉम बताती है, मैं इतना छोटा था और मैंने ना अपनी नैपी दूसरे बच्चे को दे दी। Just give it. Oh god. Babaji was so funny, man. He was such a small child. Oh god. लौंडो, ये कहां से आ रहे हो इतने लूटे पिटे? भैया, भाभी जी, हम लूट गए, बर्बाद रह गए रे। अबे हुआ क्या, ये तो बताओ। अब क्या बताएं सेठ जी, एक कमबख्त मारे बिल्डर ने हमारे घरों पर कब्जा कर लिया। तो क्यों कब्जा कर लिया? वह बिल्डर ने अप्पू सिंह के साथ मिलकर हमें घर से निकलवा दियो। ऐसे कैसे निकाल देगा कोई? हाँ भैया, वह कह रहे हैं कि हमारे जो मकान है ना, बाकी जमीन पर बने हुए हैं। अब हम तीनों बेघर हो गए, अब जाए तो जाएगा। ना डेलो ना तिया। देख भैया है ना, इनका दिल बहुत बड़ा है। अरे भैया निका, इनको दिल ना वाकई में बहुत बड़ा है। चल एक काम कर रहे, भैया के घर पे चल रहा है विभूति। देखो बेटा लौंडे, तुम समझ नहीं रहे हो, मेरा दिल तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दिल है मेरा, सब जानते हैं, तुम सब जानते हो, भाभी जानती हैं। लेकिन अनु का दिल बड़ा छोटा है, वो तुम लोग को टॉलरेट नहीं करेगी, तुम लोग का पहनावा, तुम लोग का चाल चलन, तुम लोग का ये, शी इज लिटिल हाई फाई, तुम तो जानते हो। ऐसा करो किसी दोस्त को पकड़ लो, घुस जाओ घर में उसके। नहीं नहीं, और किसी को कहीं जाने का जरूरत नहीं है। हद है, तुम लोग हमको भाभी माँ बुलाते हो ना, हमरे बच्चे जैसे हो। आ जाओ हमरे घर, आ जाओ आ जाओ। धन्यवाद भाभी जी। शुक्रिया भाभी जी। थैंक यू। ठीक है ठीक है, आ जाओ। भैया आपका दिल है ना बहुत छोटा है। मैं तो कह रही हूँ तुम्हारे अंदर दिल ही ना है, खोखा है वो भी खाली। खाली गुर्दा कलेजी से काम चल रहा है तुम्हारा। सुनिए भरभूति जी, ये पनीर रख लीजिए, हमको ना ही चाहिए। अभी जी, it's a point. और ना ही रख लीजिए, बाय बाय। वो तो कर ले यार, ये लगाएगा झाड़ू सारे। अभी जी मेरी चाय ले आई पगली। अब जरा मॉर्निंग वाली पप्पी भी दे दो हमारे गालों पे। तुम्हारे होंठ इतने सख्त सख्त से काहे लग रहे हैं पगली? हैं? कम वक्त हमारे बेडरूम में क्या कर रहा था यार? अंगूरी, जरा फ्रेश होके आता हूँ, फिर इन ससुरों की खाट खड़ी करता हूँ जरा। अरे अंगूरी, तुम हो क्या अंदर, दरवाजा खुल नहीं रहा है। कैसे खुलेगा दरवाजा सेठ जी, अंदर मैं जो हल्का हो रही हूँ। अगर ज्यादा प्रेशर बन रहा है तो साथ में आ जाओ अंदर। अरे
अंगूरे अंगूरे आ रहे हैं लड्डू के भैया। हाय दिया, अका हुआ का है चिल्ला रहे हैं ये मुस्टंडे हमारे घर में क्या कर रहे हैं? हाँ वो कहा है ना लड्डू के भैया कि एक तो बिल्डर इन लोगों के घर पर कब्जा कर लिए हैं। अरे वो बिल्डर होता है। सही पकड़े हैं। तो हम इन तीनों को हमारे घर बुला लिए रहने के लिए। हमारा घर का कोई धर्मशाला है जिनको बुला लिए है? अभी इसी इसी वक्त इनको घर से निकालो, निकालो घर से। लड्डू के भैया इन तीनों को रखने के लिए अम्मा जी बोली है। अब बोली हमसे कि अंगूरी बिटिया अगर ये तीनों मुसीबत में है तो इनका मदद करो। अब फोन लगा दे अम्मा जी को। यस कमीन। अरे क्या कर रहा हो सेठ जी, पल्ली साइड में बैठो, उल्ली साइड मुझे बैठने दो। अब बैठो। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी आइए आइए। और तिवारी जी कैसे हैं आप? अब क्या बताएं भाभी जी, बहुत बहुत बुरा हाल है। अब मतलब मैं समझी नहीं। मतलब ये कि हमारा घर जो है घर नहीं धर्मशाला बन के रह गया है। कैसे? अब क्या बताएं भाभी जी, वो टीका मलखान और टिल्लू के घरों को किसी बिल्डर ने सील कर दिया है और ये तीनों कमबख्त जो है हमारे घर में डेरा जमाए बैठे हैं। अच्छा जी। सुबह उठे तो वो टीका जो अपनी मधुस शक्ल लेकर हमारे लिए चाय लेकर आ गया वो, और वो मलखान हमारे बगल में लेटा हुआ था और ये कमबख्त टिल्लू बाथरूम में घुसा हुआ था। अब आप ही बताइए भाभी जी, तीनों कमबख्त मुसीबतों को हम कैसे घर से निकालें? तिवारी जी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आपकी सोच इतनी छोटी होगी, इतनी छोटी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी जी? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। एक तो वो तीनों बेचारे बेघर हो गए, उनके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ गिरी है और आप उन्हें खुद मुसीबत कह रहे? नहीं लेकिन भाभी जी आप। अरे क्या लेकिन, खुदा ना करे अगर आपके साथ ऐसा हो जाए और आप किसी और के घर में शरण ले और वो भी आपको मुसीबत समझे तो आपको कैसा लगेगा? भाभी जी हमारा तात्पर्य ये नहीं था। आपका तात्पर्य वो क्या कहते हैं आप लोग, कुइयां के खेत में अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। नहीं भाभी जी आप हमारे तात्पर्य का गलत मतलब निकाल रही है। अच्छा आपके कहने का मतलब है कि आप मुझे गलत नहीं समझ रहे हैं बल्कि बाकी लोग पूरी दुनिया भी मुझे गलत समझती है। भाभी जी देखिए अब आप मुद्दे से भटक रही हैं। भाभी जी मुद्दे से भटक रही हैं। क्या कहा आपने? मैं भटकी हुई हूँ? आपका मतलब है कि मैं भटकी हुई हूँ, मैं भटकी हुई आत्मा हूँ, यानी कि मैं चुड़ैल हूँ। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। मीन, एक तो बेचारे वो तीनों बेघर हो गए और उन्हें घर से निकालने की सोच रहे। झुमका गिरा झुमका गिरा झुमका गिरा हाय 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 झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में गिरा रे। भाभी जी कसम उड़ान झल्ले की अगर आपका झुमका बरेली के बाजार में गुम हो गया है ना तो हम बरेली का चप्पा चप्पा छान मारेंगे लेकिन आपका झुमका लेके आएंगे। नहीं नहीं भरभूति जी, हमारा झुमका कहीं गिरा नहीं है, हम तो ऐसे ही गुनगुना रहे हैं। हम भी तो छोड़ ही रहे थे भाभी जी। हम कहाँ बोल रहे थे, हम ना एक तो शेर लिखे हैं, कर्ज किए हैं। भाभी जी इट्स नॉट कर्ज, अर्ज, अर्ज किया है। सही पकड़े हैं। सुनाएगा? इरशाद इरशाद इरशाद। हाँ तो कनस्तर के ऊपर कनस्तर, कनस्तर पे रखा आम, हमें अगर राधा अत लड्डू के भैया शाम। अभी जी मैं ये मानने को तैयार हूँ कि आप राधा हैं, मैं तो मानता हूँ कि आप राधा हैं, लेकिन आपके लड्डू के भैया किस एंगल से शाम, किस तरह के शाम, वो तो कंस है कंस। क्या बोले अभी जी? एक शेर हमने भी लिखा है, अगर आप कहें तो नजर करें आपको। सुनाइए ना। नासाद नासाद भाभी जी, इरशाद इरशाद। सही पकड़े हैं। सुनाइए भाभी जी, अर्ज किया है कि तुम मेरी मोहब्बत हो। भाभी जी तुम मेरी मोहब्बत हो। भाभी जी
पूरा घर खुशबू से महक रहे, का बना रही हो? हाँ, कहा है ना टिल्लू भैया कि आज आलू मटर का सब्जी और पराठे बना रहे हैं। अरे वाह भाभी जी, मजा आ जाएगा। सच्ची कह रही हूँ भाभी जी, आप ना वो का कहते हैं कि थोड़ा सा ना रायता और बना लियो, चार चार लग जाएंगे। हाँ ठीक बा, बना देंगे। अरे सेठ जी कैसे हो? खाना खा के जाइयो। घर तेरे बाप का है ना बे। आप सेठ सुना रहे थे भरभूति जी। पूरा मूड ऑफ कर दिया इसने। अभी जी शरीर से कि तुम मेरी मोहब्बत हो। भाभी जी जे का बना रही तुम? आलू मटर का सब्जी और गर्मा गर्म पराठे और साथ में रायता भी है। रायता बना रही? भाभी जी एक काम करियो, बूंदी वाला बना दियो। मैंने बहुत दिन से ना बूंदी वाला रायता ना खाया हुआ है। हाँ ठीक बा, बना देंगे। भैया जी